देश को हिलाने वाले घोटाले यानी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर फैसले का दिन तय हो गया है। 21 दिसंबर को इस घोटाले पर फैसला आएगा। पटियाला हाउस कोर्ट 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस घोटाले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत तमाम बड़े अधिकारी आरोपी हैं। यूपीए 1 के दौरान स्पेक्ट्रम आवंटन में यह घोटाला हुआ था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। So what do you think is going to happen now on the 21st of December? It's been almost half a decade of day-to-day hearings. Let us see then. It's large volumes of documents here. That judge said... कोर्ट में यही हुआ कि न्यायाधीश आए, उन्होंने पूछा, आरोपी सब उपस्थित हैं, सब उपस्थित थे तो उन्होंने कहा 21 दिसंबर 10:30 बजे निर्णय दूंगा।